हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैक्स का प्रैक्टिशनर टेस्ट स्टार्ट हो गया था, लेकिन हाउ वाई के अंकल ने वहीं पे एक बीस्ट का एग रख दिया था जो कि काफ़ी ख़तरनाक थी, और मैक्स भी उसी बीस्ट की लोकेशन पे चला जाता है। डायरेक्टर एग्ज़ाम को बंद करने की बात करता है, लेकिन न्यू डायरेक्टर इसके लिए मना कर देता है। वह कहता है अगर ये लोग उस वर्ड को मार नहीं सकते तो कम से कम उसे रोकने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ड अभी अभी अंडे से निकला है, इसीलिए उसके पास इतनी पावर नहीं है। यहाँ हमें मैक्स दिखाया जाता है जो कि उस बीस्ट को देखकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बीस्ट मैक्स को हिट करता है जिसके कारण मैक्स एक दो बिल्डिंग क्रॉस करके गिरता है। फिर मैक्स उसकी तरफ अपनी तलवार फेंकता है जिससे वह बच जाता है, लेकिन तभी मैक्स उसे मलबे में दबा कर उसका सर काट देता है। डायरेक्टर यहाँ कहते हैं कि ये अच्छा हुआ कि मैक्स ने उसे मार दिया और अपनी तलवार उठा ली, अगर उसके पास तलवार नहीं होती तो ऐसा नहीं कर पाता। तब पुराने डायरेक्टर कहते हैं कि नहीं, मैक्स ने ऐसा उसे कन्फ्यूज करने के लिए किया था, मैक्स ने अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज की होती है। इसके बाद वो सभी कैंडिडेट वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जिसमें कुछ लोग तो ठीक थे लेकिन कुछ लोग घायल हो गए थे। अब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है और इस एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक उसकी होती है जिसने मैक्स को कंपटीशन के लिए चैलेंज किया होता है, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा ईयर लाए थे। मैक्स भी काफ़ी खुश था क्योंकि वह सूडो प्रैक्टिशनर बन गया था, उसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था कि वह फर्स्ट आया सेकंड। वह अपने घर जाता है और अपनी फैमिली को भी ये बताता है। अगले दिन मैक्स जीटियान हॉल जाता है जहाँ पर उसे एक रोबोट गर्ल मिलती है। वो मैक्स को बताती है कि मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, आप मुझसे कैसी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे वो किसी कैंडिडेट की हो या किसी हथियार की। मैक्स उससे स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में बोलता है, जिससे वो बताती है कि स्पिरिचुअल मास्टर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वो होते हैं जो किसी भी वेपन को बिना टच किए उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरे वो जो कि अपोनेंट के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके माइंड पे अटैक करते हैं। मैक्स उस रोबोट गर्ल से कहता है कि मुझे कोई टेक्निक बुक्स दिखाओ, क्योंकि उसे वो बुक्स चाहिए थी खुद को अपडेट करने के लिए। मैक्स उनका प्राइस देखकर काफ़ी हैरान होता है क्योंकि उनके प्राइस बहुत ज़्यादा थे। तभी रोबोट गर्ल बताती है कि आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग भी ये बुक्स ले सकते हैं, जिससे ये बुक्स आपको काफ़ी सस्ती पड़ जाएंगी। वो उसे बताती है कि वर्ल्ड का टॉप प्रैक्टिशनर जिसका नाम होंग है, उसके सामने ये बुक्स तो कुछ भी नहीं है, इसलिए ये काफ़ी सस्ती हैं। मैक्स सोचता है कि अगर उसे उससे आगे निकलना है तो उसे उन टेक्निक्स पर फोकस करना पड़ेगा जिसमें वो अच्छा है। इसके बाद मैक्स 9th टायर की फ्रॉड टेक्निक खरीदता है। रोबो गर्ल पूछती है कि तुम्हें कुछ और भी चाहिए, जिस पे मैक्स बोलता है कि हाँ मुझे कुछ वेपन्स दिखाओ, तो वो उसे वेपन्स दिखाती है, लेकिन मैक्स उन्हें अभी नहीं खरीद सकता है क्योंकि उनका प्राइस बहुत ज़्यादा था, जिसे देख के मैक्स परेशान होता है। इसके बाद हमें मैक्स का घर दिखाया जाता है जहाँ पे एक प्रैक्टिशनर मैक्स को उसका सामान डिलीवर करने आया होता है। मैक्स उनसे पूछता है कि आप स्वयं खुद क्यों आए हैं, आप किसी को भी भेज सकते थे। तो वो प्रैक्टिशनर बताता है ये स्किल और बुक्स काफ़ी स्पेशल्स होती हैं और इसे सभी लोग पाना चाहते हैं, इसीलिए हम इसे किसी भी के भी हाथों नहीं भिजवा सकते थे, इसीलिए मैं इसे खुद लेके आया हूँ। ये एक एडवांस प्रैक्टिशनर होता है जिसका नाम चेंग्यू होता है। इसके बाद वो एडवांस प्रैक्टिशनर मैक्स को बताता है कि हाउ वाई के कारण तुम्हें 1 महीने पहले जेल हुई थी, इसी के सिलसिले में हाउ वाई के अंकल तुमसे मिलना चाहते हैं और वो जीटियान हाल के थ्रू आपसे मिलना चाहते हैं, जिस पर मैक्स एग्री हो जाता है और कहता है ठीक है। यहाँ मैक्स वो प्रैक्टिशनर चीफ और डायरेक्टर मैक्स के अंकल हाउ वाई के अंकल से मिलते हैं। हाउ वाई के अंकल कहते हैं ये सब प्रॉब्लम मेरे कारण हुई है, इसीलिए मैं मैक्स को $5 मिलियन दूंगा अपने कंपनसेशन के तौर पर। जिस पे वो एडवांस प्रैक्टिशनर कहता है कि आप एक बड़े पद पे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे प्रैक्टिशनर्स को परेशान करेंगे। आपको क्या लगता है कि आप 5 लाख रुपये दे के ये मैटर यहीं पर क्लोज कर सकते हैं? ऐसा नहीं होगा, तुम्हें उसे 50 मिलियन देने होंगे और साथ ही हाउ वाई को उसके फादर से घुटनों के बल बैठकर माफ़ी भी मांगनी होगी, जिससे उसके फादर को काफ़ी गुस्सा आती है। तो अंकल कहते हैं कि मैं पैसे तो दे दूंगा लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा। डायरेक्टर कहता है अगर इस बात के लिए मैक्स एग्री है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस पर मैक्स कहता है हाउ वाई ने मेरे फादर की इंसल्ट की है, इसीलिए ये कानूनी तौर पर अब चलेगा, मैं इसे क्लोज नहीं करूँगा। हाउ वाई के अंकल को ये सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैक्स उनसे बताता है कि मुझे उन 50 मिलियन की काफ़ी ज़रूरत थी, मुझे उनसे वेपन ख़रीदने हैं, जिस पे एडवांस प्रैक्टिशनर बोलता है तुम्हें जो वेपन चाहिए है उनकी लिस्ट तुम मुझे दे सकते हो, मैं तुम्हें वो हाफ प्राइस में ख़रीद कर दे दूँगा, क्योंकि जीटियान हॉल में कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं और इससे मुझे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये सुन के मैक्स काफ़ी खुश होता है। तभी इंस्ट्रक्टर बताता है कि तुम दोनों टीममेट्स हो, अब एक दूसरे को थैंक यू बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि डायरेक्टर के कहने पर मैंने तुम्हें फायर हैमर टीम में शामिल कर लिया है। शेंग्यू मैक्स को बताता है कि मैं उस टीम का वाइस कैप्टन हूँ। इंस्ट्रक्टर कहता है कि इस प्रॉब्लम को तुम्हें क्रिएट नहीं करना है, तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट मिशन में ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम्हारे वजह से किसी को प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें टीम से निकाल दूंगा। यहाँ वो अंकल दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैक्स मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम एक बार तो बच गए हो लेकिन दोबारा मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। नाइट में मैक्स ड्रीम में देखता है कि उसे उसकी फायर टीम को किसी ने मार दिया है, लेकिन मैक्स इस बात पर ध्यान नहीं देता और अपना आर्मर पहनकर चेंग्यू के साथ वापस अपनी टीम में आ जाता है क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना था। चेंग्यू मैक्स को टीम के कैप्टन से मिलवाता है जो कि पावरफुल थे। इसके बाद कैप्टन सभी को एक बंदे से मिलवाता है जो कि एक बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का मैनेजर था और उसी ने फायर हैमर टीम को किसी मिशन के लिए अपॉइंट किया था। वह उसे बताता है कि उसके कुछ वॉलेंटियर्स मॉन्स्टर का डीएनए कलेक्ट करने के लिए आउटर वर्ल्ड पे गए थे, पर हमें पता चला है कि उन वॉलेंटियर्स पर कुछ मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाएँ और उन्हें बचा के लाएँ। ये सब रेडी हो जाते हैं उस एरिया पे जाने के लिए और वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उन वॉलेंटियर में से एक ईवा भी थी जो कि मॉन्स्टर से बच के इधर उधर भाग रही होती है। यहाँ फायर हैमर टीम भी उस एरिया की तरफ जा रही थी जहाँ वो लोग थे, लेकिन उन्हें मॉन्स्टर घेर लेते हैं जिसे देखकर वो सभी सावधान हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक पिग बीस्ट आ जाता है जो मैक्स को टक्कर मारकर दूर फेंक देता है। उस बीस्ट के आ जाने के कारण सभी मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाते हैं। मैक्स उठकर खड़ा होता है और उस पिग पर अटैक करता है और अपनी तलवार उसके अंदर घुसा देता है, लेकिन उस पिग को कुछ भी नहीं होता। तो मैक्स अपनी तलवार निकालकर उस पिग पे फिर से अटैक करता है जो टेक्निक उसने सीखी थी। इस बार वो पिग मर जाता है। ये देखकर कैप्टन काफ़ी इम्प्रेस होता है क्योंकि उसने एक एफ क्लास के मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार दिया था। तभी उन्हें उस वॉलेंटियर्स की पिक मिलती है जिसमें से एक एवा की भी होती है। मैक्स ईवा को देखकर काफ़ी शौक होता है। तभी वहाँ पे एक टीममेट को एक डिवाइस मिलता है जो कि मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। सभी को समझ में आ जाता है कि एक सभी किसी ने जानबूझकर किया है ताकि वो मॉन्स्टर को एक जगह इकट्ठा करके उनका शिकार कर सके। ये जानकर चेंग्यू को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो, लेकिन उन्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इधर हमें टाइगर टीम दिखाई जाती है जिसने ये सब किया होता है। वो वॉलेंटियर के सहारे बीस्ट को मार रहे होते हैं। ईवा भी उनसे बचकर इधर उधर छुप रही होती है। यहाँ फायर हैमर टीम भी मेन एंट्रेंस पे पहुँच जाती है जहाँ से वो एरिया स्टार्ट होता है। तभी वहाँ पे उन्हें हवाई के अंकल और उनका टीममेट मिलता है क्योंकि वो भी टाइगर टीम में शामिल थे। चेंग्यू उनसे कहता है कि हवाई कैसा है, क्योंकि हवाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और वो अभी जेल में था, जिस पे वो कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन उसे गुस्सा आती है। वो समझ जाता है कि ये सब वॉलेंटियर को बचाने के लिए वहाँ जा रहे होते हैं और वो अपनी टीम को इसके लिए इन्फॉर्म करता है। आगे हैमर टीम उस एरिया में पहुँच जाती है जिन्हें कि टाइगर टीम भी देख लेती है। वो लोग यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, तभी मैक्स को कोई दिखता है। तभी एक टीममेट बताता है कि मुझे यहाँ पे एक और साउंड डिवाइस मिला है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई और बचा होगा। ये सुनकर वो सभी निराश हो जाते हैं। वो थोड़ा और आगे जाने लगते हैं, लेकिन टाइगर टीम का कैप्टन एक साउंड डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है जिससे वहाँ मॉन्स्टर आने लगते हैं। उन मॉन्स्टर को देखकर हैमर टीम वहाँ से भागने लगती है क्योंकि वो एक साथ इतने सारे बीस्ट से नहीं लड़ सकते थे। यहाँ ईवा भी भागते भागते एक घर में जाकर उसका डोर लॉक करके अंदर चली जाती है, लेकिन उसे टाइगर टीम के स्नाइपर ने देख लिया होता है। वो लॉक पे गोली मारकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इस गोली की आवाज़ हैमर टीम ने भी सुन ली थी, इसीलिए वो उस तरफ जाने के लिए इशारा करते हैं। उन्हें लग रहा था कि वहाँ पे कोई सर्वाइवर जिंदा है। इधर उस मैंसन में एक बीस्ट आ जाता है जिसे ईवा आग लगाकर चकमा देती है और वहाँ से भाग जाती है। बाहर एक टाइगर बीस्ट होता है जो कि ईवा पर अटैक करने ही वाला होता है कि वहीं पे मैक्स आकर ईवा को बचा लेता है और उसे मार देता है। वहाँ हैमर टीम के बाकी लोग भी आ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे बीस्ट आ रहे थे इसलिए वो वहाँ से भागने लगते हैं और ये एपिसोड भी यहीं पे